बीजेपी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें राजस्थान के भी 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटकर रामस्वरूप कोहली को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कोहली समुदाय के नेता को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। 59 वर्षीय रामस्वरूप कोहली इस तक बयाना लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2018 में भाजपा के टिकट पर वैर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टिकट मिलने के बाद रामस्वरूप ने कहा, जैसे भजनलाल को सीएम बनाया वैसे ही मुझे टिकट दिया गया है। जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कहीं पे भी पहुंचा सकती है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई भजनलाल जी को जिस तरह से पीछे की लाइन में बैठे थे, उसी तरह से जिनको मुख्यमंत्री बनाया उसी तरह से आज मैं पीछे की लाइन में बैठा था, और आज मोदी जी ने और भजनलाल जी और संघ परिवार ने मेरा पूरा सहयोग करके मुझे आज भारतीय जनता पार्टी का भरतपुर जिले का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक, विस्तारक, जितने कार्यकर्ता हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सबने मेरा सहयोग किया, और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नियमों का पूरा पालन करूँगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं विचार परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तृतीय वर्ष मैंने 2003 में किया और 4 में मुझे लोकसभा का सदस्य बनाया। आज 2004 से 2009 तक मैं लोकसभा का सदस्य रहा। आज मेरे इस विचार परिवार ने और बीजेपी परिवार ने मुझे अब 2024 में लोकसभा का सदस्य बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस सीट को हमारे मोदी जी की 400 की सीट में शामिल करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने बताया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को भी कहीं भी पहुंचा सकती है। भजनलाल शर्मा जो पीछे की लाइन में बैठे थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह मैं सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन मुझे भाजपा ने टिकट दे दिया। जहां तक कबूतरबाजी रैकेट की बात है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली का जन्म 15 जनवरी 1965 को हुआ। काफी लंबे समय से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्यों से जुड़े हुए रामस्वरूप ने महज 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।